हेलो एंड वेलकम टू डेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर वीकेंड के वार के दौरान प्रियंका के लिए आया जनता का कॉल, या यूं कहें जनता का सवाल, जिसके बाद प्रियंका का उस कॉल पर जो जवाब था उसको सुनकर इमोशनल हो गई निमृत, निकल गए निमृत के आंसू। क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर प्रियंका चाहर चौधरी के लिए आया जनता का सवाल। जी हाँ, कॉलर ने प्रियंका से कहा कि प्रियंका, इस शो में आपको कुछ लोग नेगेटिव दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ आप ही के बारे में बात करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निमृत और सौंदर्या, इन दोनों के पास आपकी बिचिंग के अलावा कोई भी टॉपिक नहीं होता, पर हमने कभी भी आपको इनके बारे में बिचिंग करते हुए नहीं देखा। निमृत आपकी हर बात का मुद्दा बनाती हैं, लेकिन कभी भी हमने आपको ऐसा करते हुए नहीं देखा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको निमृत के साथ और भी ज़्यादा खुलकर लड़ना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए? जिसके बाद प्रियंका ने साफ साफ जवाब दिया। प्रियंका ने कहा, नहीं, जब तक वो मेरे सामने आकर मुझे नहीं बोलती तब तक मैं कोई भी रिएक्शन नहीं देती, और पीठ पीछे कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। निमृत को जो बोलना है बोलती रहे, लेकिन अगर वो मेरे मुंह पर मेरे सामने कुछ गलत बोलेगी, हाँ, तब मैं उसको काउंटर करूंगी। और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठकर पीठ पीछे किसी की बुराइयां करती रहूं। मेरे लिए निमृत इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वेल दोस्तों, प्रियंका के इस जवाब को सुनकर निमृत के तो होश उड़ गए। वेल, आप क्या कहेंगे, क्या जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ? क्या प्रियंका ने जो भी जवाब दिया वो सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।